AK-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में फरार चल रहे विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके विरोध में अनंत सिंह के सैकड़ों समर्थकों ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते सैकड़ों की संख्या में शामिल समर्थकों ने नीतीश सरकार, मुंगरे MP ललन सिंह और बाढ़ ASP लिपि सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे समर्थकों का आरोप है कि अनंत सिंह को राजनीतिक षड्यंत्र कर फंसाया गया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता उदय नारायण चौधरी ने भी विधायक अनंत सिंह के समर्थन में कहा कि अनंत सिंह ने जिन लोगों का साथ दिया था वो लोग आज मिलकर अनंत सिंह को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जिस तरह से कार्रवाई की गई बिहार में, क्या है अनंत सिंह? पहले हम तो उनके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन इसके पहले तो वो साधु थे। सत्ता के निगाह में, सरकार की निगाह में, वर्तमान हुकूमत के निगाह में वो पहले देशभक्त थे, साधु थे, संत थे, ईमानदार थे, जो भी डिग्री था सब दिए हुए थे। कौन लोग थे? यही लोग देने वाले हैं ना डिग्री? उनको राजनीति में कौन लोग प्रवेश कराए हैं? जो अभी आज सत्ता में बैठे लोग हैं, यही लोग ना राजनीति में प्रवेश कराए हैं। और आज अनंत सिंह बड़ा खराब आदमी हो गए। अनंत सिंह के साथ जो भी कार्रवाई हो रही है वो बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, और बदले की भावना से की गई कार्रवाई पूर्णतः उसको हम लोग खारिज करते हैं और हम लोग उसका विरोध करते हैं। और ये जो जब तक, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप सत्ता के साथ हैं तब तक आप भ्रष्ट नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, ईमानदार हैं आप। तो जो नहीं रहेगा सत्ता के साथ वो सब बेईमान हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और सत्ता के साथ रहेगा तो दूध के धोए हुए हो जाएगा। बता दें कि अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल और ग्रेनेड बरामद हुआ था और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए करीब एक सप्ताह से फरार चल रहे थे। सरेंडर से पहले अनंत सिंह ने अपना वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने जदयू के सांसद ललन सिंह, मंत्री नीरज कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।